रक्षाबंधन के दिन गांव की गलियां सूनी हैं, ना पनघट पर अपनों का इंतजार है और ना ही हाथ में राखी थामे बहने भाइयों के इंतजार में चौखट को तकती हैं। कहते हैं भाइयों की कलाई यहां सदियों से सूनी पड़ी है। परंपरा के बंधन से बंधे इस गांव का नाम है बैनीपुरचक। यूपी के संबल में पड़ने वाले इस गाँव में कहते हैं सदियों से रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता। गाँव के बड़े बूढ़ों से जब पूछा जाता है कि आखिरकार क्यों, तो वो परंपरा की लंबी कहानी खींच देते हैं, बताते हैं कि क्यों इस गांव में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। जी, कहते हैं इस गांव की ज्यादातर आबादी यादव जाति की थी। इस गांव के लोगों के पूर्वज मूल रूप से अलीगढ़ जिले के सिमरई गांव के रहने वाले थे। तो आखिर क्या वजह है, ये जानने के लिए जब बैनीपुरचक गाँव पहुंची न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम, सुनिए बड़े बुजुर्गों ने परंपरा की कितनी लंबी लकीर खींच दी और युवा सोच उस लंबी लकीरों को खींचते चले गए और सदियां बीत गई। हमारे यहाँ रक्षाबंधन नहीं होते हैं। हम नो नहीं करते हैं कि हमने ये दान में दे चुके हैं। हमने सैमरी गांव है, उसमें हम इसे दान में दे चुके हैं सब। हमारा ये रक्षाबंधन नो नहीं होता। नहीं तो आप नहीं करते हैं, आपके गांव में रक्षाबंधन नहीं? पूरे गाँव में नहीं होता साहब। दान किसको दिया था, क्या क्या? ठाकुर की लड़की को दिया था हमने दान। जब से हमें भय बना लो या हमारी अच्छाई जान दो या बुराई जान दो, हमारे रक्षाबंधन होते ही ना। पूरी बात बताओ, कैसा दान दिया था? अच्छा, क्या था? दान जैसा राखी बता रहे थे। अच्छा, यादव की लड़की ने बांधा था ठाकुर की लड़की, लड़के के यादव के लड़के ने, यादव की लड़की ने बांधा था यादव के लड़के के हाथ में राखी। राखी उन्होंने कही जो मांगो सो पावे। उन्होंने कुछ ना बोला, उनके एक पल्ले थी ठाकुर जी की घोड़ी, वो लड़की ने यादव की ने वो घोड़ी मांग ली। रक्षाबंधन हमारे पूर्वज ही नहीं मनाते, पहले से जहाँ हम लोग रहते थे वहीं से बंद है पहले से ही। एक ठाकुर और यादव में बड़ा प्रेम था। जिस गांव में हम रहते थे अतरौली के पास सिमरई गांव था, वो वहाँ से हमारा लिकासा है पूरे गांव का। जनपद में? जी जी, अलीगढ़, वो अतरौली तहसील थी, वहाँ का हमारा लिकासा है। तो वहीं रहते थे सब। मतलब वहाँ से जी 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 यहाँ आके बस गए। तो वहीं रहना सहना था सबका। तो ठाकुर और यादवों में बड़ा प्रेम था उस टाइम जब वहाँ रहते थे अतरौली तहसील में। तो ठाकुर की लड़की रक्षाबंधन यादव के लिए करती थी और यादव की लड़की ठाकुर के लिए करती थी रक्षाबंधन। जी, सुना आपने। कहते हैं बात पुरानी है मगर है सच्ची घटना कि इस गांव में ठाकुर और यादव जाति के लोग साथ साथ प्रेम के साथ रहते थे। रक्षा बंधन पर यादव जाति की लड़की ने अपने रिश्ते के मुंह बोले भाई एक ठाकुर लड़के को राखी बांधी और तोहफे में घोड़ा ले लिया। वहीं इस गांव की एक ठाकुर लड़की ने यादव लड़के को राखी बांधी तो उपहार में सिमराई गांव ही ले लिया। यादव लड़के ने अपनी जमींदारी का पूरा गांव राखी बांधने वाली मुंह बोली बहन को दे दिया, क्योंकि गांव उपहार में दिया जा चुका था और दी हुई चीज अब वापिस नहीं ली जा सकती, यानी हक नहीं बनता। जिसके बाद सिमरई गांव के ये सभी लोग बैनपुरचक गांव में आकर बस गए। यानी राखी बांधने के बाद कोई अब संपत्ति ना मांग ले, यही वजह है इस गांव के लोग रक्षाबंधन पर राखी नहीं बांधते हैं। यही नहीं, इस गांव में दूसरे गांव से शादी होकर आई हुई लड़की भी अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके नहीं जाती। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही सुन लीजिए। यहाँ ना होती है राखी, यहाँ बताओ था किसी ने दान में दे दी है। कैसे, क्या हुआ है, कुछ बताओ आप। किसी ने दान में मांगी सो दान में दे दिए, दे दो किसी ने, कोई गांव सिमरई सिमरई के थे वो बताओ था। पूरी पूरी बात बताओ आप, कैसे दान में दी रखी? किसी आदमी से पूछिए ना, मुझे ना आप बता। राखी नहीं होती है आपके यहाँ? हाँ, यहाँ राखी भागी तो कोई राखी नहीं, कोई ना भैया बन पाएगा ना बहन, आदमी को खबर हुई सीधी बात है। पहले से ही परंपरा नहीं है बनाने, तब से नहीं बनाया था। हमारा जन्म भी नहीं था। अच्छा, तो आपका भी मन करता होगा राखी बांधने का, लेकिन परंपरा आपके यहाँ राखी नहीं बांधी जाती, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। मतलब अच्छा लगता है कि मतलब राखी नहीं बांधते? हाँ, अच्छा लगता है पर बनते नहीं है हमारे। नहीं नहीं, अच्छा तो लगता है आपको कि राखी बांधू, में भी मन तो करता होगा? करता। वक्त बदला लेकिन सालों से यहाँ के लोगों की सोच नहीं बदली। यानी जाति के बीच बंधे विश्वास के डोर ने कभी एक दूसरे को साथ लाकर खड़ा किया, मगर आज वही रक्षा का बंधन
बिना धागे के इस पुरानी परंपरा के टूटने का इंतजार कर रहा है। अब ये परंपरा कब टूटेगी कोई नहीं जानता। प्रदीप मिश्रा, संबल, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।